अभी जुड़ा हूँ, हमारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई ये टी शर्ट जो है, हमने आज रियलाइज़ किया कि हर वीडियो में हम तुम्हें यही ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनते हुए दिखेंगे या ब्लू कलर की पहनते हुए दिखेंगे। और इसके एक दो रीज़न हैं। एक तो ये है कि इस पे एक निशान बन गया है यहाँ पे, जो कि जा नहीं रहा, तो इसको हम बाहर पहन के जा नहीं सकते हैं। कंफर्टेबल कंफर्ट के मामले में ये 200% है, तो इसलिए रात को पहन के सोते हैं। तो समझ रहे हो क्या रीज़न है। सबसे पहले तो वेट के साथ अपडेट कर दें, जो कि अगेन आज सबसे कम था, जो कि था 84.80। हम थोड़े से खुश भी हैं इस चीज़ को लेके, और थोड़े से नहीं भी खुश। हम अपना पीक पे तब होते जब अगर कल हमारा एकदम बेस्ट डे जाता, और बेस्ट डे कल नहीं था क्योंकि कल क्या कहते हैं, रूटीन इतना अच्छा नहीं था। रूटीन अच्छा इन टर्म्स ऑफ जो जनरली हमारा, जैसे मान के चलो 100% रहता है, कल उसको हम कहेंगे 80 या 90% रहेगा। तो थोड़े खुश भी हैं कि चलो नंबर नीचे जा रहे हैं, और थोड़े नहीं भी हैं क्योंकि कल अगर हमारा बेस्ट डे होने के बाद आज अगर होता तो शायद हम और ज़्यादा खुश होते। बट चलेगा, नंबर्स नंबर्स हैं, कल का देखना है। अब मेन गोल तो हमारा ये है कि अब जो है, क्योंकि नंबर्स नीचे जाएंगे, अभी का हमारा मेन गोल यही है कि हम मैक्सिमम मसल मास रिटेन कर पाएँ। अब उसके लिए क्या करना है, प्रोटीन इनटेक, स्लीप और ट्रेनिंग हार्ड, ये तीन फैक्टर अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे इस टाइम पे, क्योंकि यही तीन फैक्टर हैं जो हमारी मसल मास को बढ़ाएंगे या फिर बनाए रखेंगे, कंडीशनिंग को लाएंगे, और अगले दिन के लिए हमें तैयार करेंगे ताकि हम और ज़्यादा पुश कर पाएँ। ठीक है, तो एक तो ये थी, बाकी और क्या, तुम्हें एक सवाल ही लेना था सवाल। और एक चीज़ में बता रही, आज हमने एक वीडियो अपलोड करी है कि हाउ टू लूज 1 kg इन अ वीक, और हमें बड़ा बुरा लग रहा है कि उस पे उसकी रीच काफ़ी ठीक ठाक हो रही है। और रीच क्यों उसकी ठीक ठाक हो रही है, क्योंकि थंबनेल ऐसा है, लूजिंग 1 kg फैट पर वीक वाला, क्योंकि लोग इसको देखेंगे, हमें पता है। और 25 मिनट की वीडियो है भाई ये, हमें यकीन नहीं था कि 25 मिनट की वीडियो लोग एक्चुअल में उस पर क्लिक करने का सोचेंगे भी। पर कोई नहीं यार, अब ठीक है। और लोगों के दिमाग में वही जा रहा है, तभी वो क्लिक जा रहा है। वापस आते हैं, एक टॉपिक था सोने को लेके, कि इसको हमने कवर किया हुआ है, लेकिन वो ये बार बार टॉपिक हमारे सामने आ जा रहा है, वो है कि हाउ टू इम्प्रूव स्लीप साइकिल वाला सीन। तो यार इसको लेके हमने पहले भी तुम्हें बताया है कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करनी होती हैं। एक तो कि कोशिश ये करो कि तुम थोड़े से क्या कहते हैं, कुछ घंटे लेके चलो बैकअप में, क्योंकि मान के चलो अगर तुम 8 घंटे का टाइम दे रहे हो सोने को, तो तुम 8 के 8 घंटे नहीं सोगे, जो तुम्हारा डीप स्लीप वगैरह रहती है वो कम ही होती है। मेन तुम्हें फोकस करना है क्वालिटी ऑफ स्लीप पे, जिसके लिए क्या कर सकते हो कि कोशिश ये करो कि फ़ोन थोड़ी देर पहले बंद कर दो, और माइंड को थोड़ा सा पीसफुल रखना है तो बाद में भी बंद ही रखना, या फिर अगर तुम यूज़ भी करते हो तो कुछ ऐसा यूज़ करो या देखो जो तुम्हारे प्रोडक्टिव हो, जो तुम्हारी पीस को बढ़ाए, ना कि तुम्हें सोचने पर मजबूर करे। और तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। जिंक शायद होता है, जो कि जिंक होता है कि पोटेशियम होता है, हमारे ख्याल से पोटेशियम होता है जो तुम्हारी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है। हम हमेशा भूल जाते हैं, एक बार हमने ये बताया था तुम्हें, और तब हम गूगल कर रहे थे तब ऐसे कर गए, लेकिन तुम समझ जाना, कोई तो एक ऐसा कंपाउंड होता है जो तुम्हारी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है, जितना हमें याद आ रहा है कि वो पोटेशियम होता है। ठीक है, तो उसको ऐड कर सकते हो, बट अगेन अगर तुम्हारी चीज़ें बाकी की फकअप हैं तो वो सप्लीमेंट कुछ काम नहीं करने वाला। और बाकी की चीज़ें सही कैसे होंगी, एक तो तुम अपनी डाइट सही रखो, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि प्री वर्कआउट अगर तुम बहुत लेट ले रहे हो, 9 बजे ले रहे हो, तो तुम ये उम्मीद मत करना कि तुम्हें 10 बजे नींद ही आ जाएगी, ठीक है, या फिर वर्कआउट करके आओ तुम 11 बजे, तब आने के तुरंत बाद तुम्हें नींद आ जाए। तो कोशिश ये करो कि वर्कआउट जल्दी ख़त्म कर लो, प्री वर्कआउट और स्लीप में करीब 7 से 8 घंटे का गैप हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो प्रायोरिटी दो, स्लीप को प्रायोरिटी दोगे तभी ज़्यादा सही रहेगा। अब ये चीज़ शायद तुम्हें अभी समझ में ना आए, तुम्हें सोने की कीमत काफ़ी टाइम बाद समझ में आएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, क्योंकि स्लीप तुम्हारे हार्मोनली, तुम्हारे एनर्जी लेवल, तुम्हारा मूड, तुम्हारी क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इवन तुम चल रहे हो सही से, तो वो तुम्हारी स्लीप से एक तरीके से फैक्टर है, क्योंकि अगर तुम 3 4 दिन जागोगे तो चलना भी एकदम तुम्हारा बेस्ट नहीं होगा। और आई होप इसको तुम छोटे स्केल पे भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो हम तो रिकमेंड यही करेंगे, एक अच्छी डाइट, एक अच्छा रूटीन, डिसिप्लिन लाइफ, देन सप्लीमेंट तो एकदम आखिरी की चीज़ है,
पहले ये चीज़ सही करो। और एक कुछ चीज़ें जैसे काम करती हैं कि जैसे अगर मान के चलो तुम्हारा डिनर थोड़ा हैवी है, तुमने देखा होगा कि तुम्हें लंच के बाद नींद बहुत ज़्यादा आती है। क्यों आती है? एक तो ये रीज़न है कि तुम सो के उठने की यानी जो साइकिल होती है वो करीब 8-9 घंटे की हो जाती है तब तक, एक वो रीज़न हो सकता है, होता है। और एक ये होता है कि वो मील काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है इसलिए तुम्हें नींद आती है। तो कोशिश ये कर सकते हो, कैलरीज थोड़ी सी सेट करो अपनी जिससे तुम्हारा डिनर हैवी होने लगे। तो अभी तुम देखते होगे, अभी हम एक तो मील लेते हैं 7:30 बजे, 7:30 से 8 के बीच में, और दूसरी अभी एक मील लेते हैं डिज़र्ट जो कि खुशी कर देता है हमें। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हेल्प करती है हमें अपनी स्लीप साइकिल को सही करने के लिए। तो बस यही तुम्हें बताना था। बाकी आज का वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा था। आज एक चीज़ और हुई थी कि आज हम वो कर रहे थे, बारबेल लोज कर रहे थे, और अब तुम्हें पता है कि हम मसल मास को रिटेन करने के लिए स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आज हमने 130 से रोज़ की थी बारबेल बेंट ओवर रोज़, और उसमें सिर्फ 3 रेप हमारे निकले थे, लेकिन तीसरे रेप में हमें लगा कि हल्का सा यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, बहुत माइनर सी, तो उसको हमने वहीं रोक दिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो एकदम कहता ना कि हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द जो होता है तुम्हारी जो फाड़ता भी है, तो वो हुआ, लेकिन हमने उसको संभाला कि नहीं ये आज थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस करो। तो जैसे डंबल रोज था वो हमने स्विच किया था चेस्ट सपोर्टेड रोज से एट दी मूवमेंट, वहीं हमने ये डिसाइड कर लिया था तभी कि नहीं आज नहीं होगा। लेकिन जो मूवमेंट हमने रिप्लेस किया था वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा सही थे हमारे, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही हुई। बाकी अभी हमें बर्फ़ रखनी है जमने के लिए, शायद कुछ चीज़ें यार हम क्या कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ें तुम्हें बतानी है कि बतानी क्या, एक छोटी सी चीज़ ये है कि जो सुबह मील लेते हैं जो जीरो कार्ब की होती है पोस्ट कार्डियो, जिसमें बेसिकली रहते हैं 4 एग वाइट्स रहती है, 40 ग्राम वे प्रोटीन रहता है, और तुम्हारे आइस क्यूब हम यूज़ करते हैं पानी की जगह पानी में, तो उससे होता क्या है कि वो तुम्हें थोड़ा सा फुल लगता है। तो चिल्ड वाटर जो होता है, आइस वाटर होता है, वो तुम्हें थोड़ा सा फुल फील कराता है, तो वो चीज़ अच्छी है। तो हमने सोचा तुम्हें बता दें अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लो कैलरी पे हो, और अगेन मेन चीज़ ये है कि ये तुम्हें दिक्कत भी कर सकता है, तुम्हारे गला ख़राब कर सकता है, तुम्हारा इन केस तुम्हें बुखार भी आ सकता है, तो वो चीज़ संभाल के करना। तो यही हमें तुम्हें बताना था। बाकी पहले तुम देखोगे सुबह क्लिप, फिर देखो वर्कआउट वीडियो, वो देखो बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन है, सबसे पहले तुम्हें अपडेट कर देते हैं वेट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही शॉकिंग था। आज का वेट है हमारा 85.15, वो भी अभी सुबह उठने के बाद। तो कार्डियो के बाद तो हम एक तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 84 में देखने को मिल जाए, पर नहीं, देखने को मिलेगा तो भी हम खुश होंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा का ड्रॉप है ये। अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं, एक तो अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो कल का रूटीन सबसे अच्छा हुआ है, और अगर नेगेटिव में देखा जाए तो वो ये है कि क्या कहते हैं, कल वर्कआउट इतना अच्छा नहीं था, मतलब कि अच्छा था, हम ये कहेंगे कि 80% था, 100% नहीं था बस, ठीक है। और अच्छे में देखा जाए क्या था कि स्लीप वगैरह सही है, डाइट भी सही है, सारी चीज़ें सही हैं, तो दोनों ही पहलू हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम इसको अच्छे में लें कि बुरे में लें, बस ले लेते हैं ये चीज़ है, क्या करा जाए भाई, जो है सो है, पर यही है। और आज तुम वर्कआउट देखोगे अगली क्लिप में, तो जिम में ही मिलते हैं धीरे। नशा है फिर सुनता है, आज बैक और बाइसेप स्विंग कर रहे हैं, टोटल वही 5 मूवमेंट है, 5 बैक 3 बाइसेप शुरू कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं वो है बारबेल रोज। इसमें आप ही जैसा बात जो औकात कुमार का था, और वैसे वो शायद हमारा
मार्बल उसमें फैसले हो और शायद हम उससे आगे जाएंगे क्योंकि हल्का सा मैं लगा चीज वज नहीं औकात के भारत आए और उसमें से तीन रस्ते रेट बताएं तो एक 20 की थी, एक 15 की थी, दो 10 की थी, 35, 45, 55, 55 दोनी 110 और 20 की 130, तो 130 का रो ठीक था। तीन रस्ते लेकिन उसके बाद ड्रॉप किया है, उसमें दो प्लेट तैर निकाली थी, फिर एक 15 की बाद निकाली और गए उससे तैलिए फिर तैरने की कोशिश करी है। और आज का तुम्हें बता दें कि अगेन दो बैक एक बाइसेप्स, दो बैक एक बाइसेप्स, फिर एक बैक एक बाइसेप्स, इस तरीके से प्लान किया हमने अपना वर्कआउट, तो वो तुम देखोगे। सीन ऐसा है, ये तीसरा मोमेंट है जो कि है फ्रीचर कर्ल। आज का एक सीन ये है जो हम शायद तुम बताए होता कि जो बारबेल लोज हम कर रहा था जो आखिरी सेट था स्पेशली, उसमें हमारे लेग्स के हल्का सा ऊपर थोड़ा सा जर्क फील हुआ था हमें, बहुत माइनर था लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे उसको लेके। और उसको रिस्क कहाँ सकता है डम्बल लोज में, तो आज डम्बल लोज को रिप्लेस करेंगे सीटेड मशीन रोज से जो चेस्ट सपोर्टेड रोज है यहाँ पे, लेकिन सिंगल हैंडेड ही करेंगे तो वो काफ़ी हद तक हमारा डम्बल रोज के जैसी हो जाएगा, बस थोड़ा सा स्टेबल रहता है। मूवमेंट जो तुम देखोगे या जो हमने किया अभी वो है नट पुल डाउन, थोड़ा सा एक ग्रिप के आसपास ही रहा। अगेन इसमें वही चार सेट करना, थोड़ा सा अगली जाने की कोशिश करेंगे, शुरू के दो सेट मेन पॉम पर फोकस करते हैं, बाकी के दो सेट पर थोड़ा सा हैवी जाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद करना है चेस्ट सपोर्टेड रोज जो कि मशीन से करने वाले हैं और डम्बल रोज नहीं करेंगे। हाँ उसी एक्सरसाइज में एक चीज और जो हम कर रहे हैं सिंगल एंड रोज करने के साथ साथ वो ये है एकदम सामने की तरफ ना बैठे, हल्का सा एंगल पर बैठ रहे हैं कुछ इस तरीके से ताकि एक जब पूरा एक्सटेंशन पे हो एक तो स्ट्रेस पोजीशन पे हो, तो जैसे डम्बल रोज करते हैं तो पूरा नीचे लेके जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच ही कह लो या फिर थोड़ा सा तुम और ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो रेंज ऑफ मोशन के अंदर ही।
थोड़ा साउंड अजीब कर सकता है, बट आई होप तुम समझ रहे होगे कि नॉर्मली अगर उनको इस तरीके से करते हैं तो अगर हम हल्का सा आएंगे ऊपर बैठते हैं देन उसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा हमें मोशन मिलता है या फिर मोशन मूवमेंट मिलता है। हाँ तो भाई सीन ऐसा है, वर्कआउट यहीं तक था और हमारे कैमरे की बैटरी डेड होने वाली है, तो भाई कभी भी ये डेड हो सकती है तो तुम्हें पहले बता दें भाई। अच्छा अगेन टोटल 8 मूवमेंट थे, वर्कआउट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मतलब कोई भी ऐसे मूवमेंट नहीं था जो फकअप हुआ है, आज पूरा फोकस भी था तो इसलिए वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्वालिटी भरा था। कोई भी एक्सरसाइज अब होता ही है कि मोस्टली हम अपना दे देते हैं शुरू के 5 या 6 मूवमेंट में, आखिरी के 2 या 3 मूवमेंट में एकदम हम बहुत ज़्यादा पुश करते हैं खुद को एक तरीके से उसमें फेलियर हिट करने के लिए, और बहुत एक तरीके से कहते हैं ना कि पंप भी जाने लगता है तब तक, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन कोशिश एटलीस्ट हम करते हैं कि आखिरी के 3 मूवमेंट में भी हम पुश कर सकें, भले ही 3 सेट करें उसमें लेकिन अच्छे से करें। और बस भाई यही तक था वर्कआउट, वही थे 5 मूवमेंट बैक के, 3 मूवमेंट बाइसेप्स के। बाइसेप्स में तुम्हें बता दें प्रीचर कर्ल, हैमर कर्ल और एक था इंक्लाइन बेंच कर्ल, बेसिकली तुम्हारा लेंथेंड पोजीशन, शॉर्टेंड पोजीशन और एक तरीके से तुम्हारे हैमर कर्ल जिसमें तुम्हारी ओवरऑल बाइसेप्स कर सकते हो और तुम्हारे फोरआर्म्स भी थोड़े एंगेज होते हैं। बस भाई यही तक रखते हैं पंचायत, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, बाकी अपना ख्याल रखना भाई, ठीक है।